Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में अब 8वीं तक के सभी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी उठा सकेंगे छात्रवृत्ति का लाभ। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मूर्त रूप लेते ही राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। इसके साथ ही अब 8वीं तक सभी वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आ जाएंगे। बच्चों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपये जबकि अधिकतम 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी। राज्य में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पहली बार इस तरह की योजना तैयार की जा रही है। विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार मौजूदा समय में राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक सामान्य वर्ग के कुल 1,28,258 बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सरकार को कुल 11,38,00,000 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करना पड़ेगा। झारखंड की बेटियां तीरंदाजी में अव्वल, सविता बोली, देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के तीरंदाजी बेटी सविता कुमारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस दौरान पीएम ने सविता से खेल से लेकर घर वालों तक के बारे में पूछा। शुरुआत में सविता थोड़ी नर्वस नजर आई, लेकिन उसने पीएम के हर सवाल का जवाब दिया। उसने पीएम को बताया कि उसका सपना ओलंपिक खेलने का है। पीएम ने सविता को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा, झारखंड की बेटियां तीरंदाजी में अव्वल हैं। पीएम से संवाद के बाद सविता के कोच प्रकाश राम ने बताया कि शुरुआत में सविता थोड़ी नर्वस जरूर हुई, लेकिन उसने अपने टारगेट और अपने खेल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। साथ ही कहा कि उसका सपना ओलंपिक में खेलने का है। वह झारखंड के साथ साथ देश का नाम रोशन करना चाहती है। सैंटियागो में झारखंड की तीन बेटियों ने दिखाया है दम। अंतिम मैच में भारतीय टीम ने चिली को 2-1 से दी है शिकस्त। झारखंड की बेटियों की बदौलत सैंटियागो चिली में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की बादशाह बरकरार रही। सैंटियागो में सोमवार सुबह खेले गए अंतिम मैच में भारतीय टीम ने चिली को 2-1 से पराजित किया। भारतीय टीम की ओर से झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग ने 2 गोल कर जीत दिलाई है। सैंटियागो चिली के दौरे पर गए जूनियर भारतीय महिला टीम ने सोमवार को अपने छठे और अंतिम मैच में सीनियर चिली टीम को 2-1 से पराजित कर प्रतियोगिता में अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। सोमवार को झारखंड के सिमडेगा जिले के रहने वाले खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग ने दोनों गोल कर टीम को 2-1 से जीत दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में कुल 16 गोल हुए, जिसमें झारखंड की बेटियों ने कुल 10 गोल किए। इस टीम में कुल 24 खिलाड़ियों का दल सैंटियागो गया है, जिसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। वहीं पर ब्यूटी डुंगडुंग ने कुल 5 गोल किए हैं, संगीता कुमारी ने कुल 4 गोल और सुषमा कुमारी ने 1 गोल किया। इस तरह प्रतियोगिता का कुल 16 में से 10 गोल झारखंड की बेटियों के नाम रहा, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है। झारखंड में 5,500 किलोमीटर बिछेगी बिजली लाइन, राज्य के हर गांव तक पहुंचेगी बिजली, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को संताल परगना के 3 दिवसीय दौरे पर बरहेट पहुंचे। इस मौके पर बरहेट के +2 SSD उच्च विद्यालय मैदान में 132/33 केवी पावर ग्रेड सब स्टेशन व राजमहल पाकुड़ जिलीलो संचरण लाइन का शिलान्यास किया। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के हर गांव में हमारी सरकार बिजली पहुंचाएगी। पूरे झारखंड में 5,500 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। विकास की जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची है, उसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। पहले लोग लालटेन से के भरोसे रहते थे, अब हमारी सरकार गांव-गांव में बिजली पहुंचाएगी। झारखंड के सीएम ने कहा कि 15 लाख गरीबों को अलग से ग्रीन राशन कार्ड देने का काम शुरू हो गया है। पहले 3,50,000 लोगों को पेंशन मिलती थी, अब हम लोग 6 लाख से अधिक लोगों को पेंशन दे रहे हैं। झारखंड के प्रत्येक जिले में CBSE मॉडल स्कूल खुलेगा, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी। यहां के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को हम लोग ने काम दिया है। मनरेगा मजदूरी पर 172 रुपये से बढ़ाकर 194 रुपये कर दी, अब इससे 225 रुपये करने का प्लान हम लोगों ने बनाया है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपये बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं। खबर है झारखंड के चतरा से।
चतरा में बांस से महिलाओं ने संवारी अपनी जिंदगी। गरीब का दस झेल रही इन महिलाओं ने सरकार की JSPL योजना की मदद से आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। बांस के बने सामानों जैसे डलिया, पंखे और बसुलिया समेत कई अन्य सामान बेचकर महिलाओं ने सिर्फ घर का खर्चा चला रही है बल्कि अपनी कमाई से बच्चों को अच्छी तालीम भी दिला रही है। झारखंड में एक बड़ी खुशखबरी है, शिक्षा विभाग में करीब 10,000 पदों पर क्लर्कों की होगी नियुक्ति। झारखंड बनने के बाद पहली बार हाई स्कूलों और प्लस टू स्कूलों में क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने सभी प्रमंडलों के क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशकों को 30 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का निर्देश दिया है और उनसे रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है। जानकारी के अनुसार करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के कार्यालयों में इन क्लर्कों को नियुक्ति किया जाएगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गुजरात की तरह सक्षम हो रही है गोड्डा की महिलाएं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम एस अडानी व उसकी पत्नी अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति अडानी रविवार को गोड्डा के फूलो झानो केंद्र सिकटिया पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण कर सखी मंडल की महिलाओं के साथ संवाद किया। समूह के हेड गौतम एस अडानी वहां से पावर प्लांट निरीक्षण के लिए निकल गए। उन्होंने गोड्डा यूनिट के अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पावर प्लांट के कार्य की समीक्षा की। फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति अडानी, गोड्डा DDC अंजलि यादव ने सिकटिया केंद्र पर उद्यमिता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां फाउंडेशन से जुड़ी फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल की महिलाओं से संवाद कर इससे जुड़कर होने वाले लाभ व अन्य समस्याओं पर चर्चा की। महिलाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से जुड़कर अब सक्षम हो रही हूँ, अपने पति पर आश्रित नहीं हूँ, बच्चों की परवरिश भी करने लगी हूँ। प्रीति अडानी ने DDC अंजलि यादव के साथ सभी महिलाओं का अभिवादन भी किया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री ने कहा। अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सुबह से ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर वहां के विकास योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के हित में काम करने और संगठन को बढ़ाने के लिए एकजुट रहने को कहा। कहा कि आप सभी कार्यकर्ता सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने पतना, बरहरवा, राजमहल, उद्वा सहित अन्य प्रखंडों के विकास पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को गति देने को लेकर बैठक किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर है झारखंड के दुमका से। CM हेमंत सोरेन साहिबगंज से पहुंचे दुमका, आज करेंगे झंडोत्तोलन। CM हेमंत सोरेन साहिबगंज से दुमका पहुंचे और दुमका एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज झंडोत्तोलन CM हेमंत सोरेन करेंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 2 फरवरी को होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह को लेकर प्रमंडलीय समिति की बैठक आहूत की गई है। IS क्लब में आहूत इस बैठक में विधायक बसंत सोरेन, राजमहल सांसद विजय हंसदा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, बोरियो विधायक लोबिन हेमराम समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। कोरोना महामारी की स्थिति के बीच स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को लेकर मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं के भी सुझाव लिए गए। बता दें कि बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष CM हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। समारोह को लेकर अंतिम निर्णय CM हेमंत सोरेन और केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन लेंगे। खबर है झारखंड के गढ़वा से। रेड क्रॉस ने 3 महीने की कार्य योजना तैयार कर ली है। रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस कार्यालय में हुई। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर JPC ने कहा कि रेड क्रॉस पहले से बेहतर कार्य कर रहा है। बैठक में अगले 3 महीने के लिए किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के बच्चों को प्रत्येक 3 माह में आँख की जाँच की जाएगी, जबकि हाई स्कूल की छात्र छात्राओं को ब्लड ग्रुप की जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। फरवरी माह में टाटी दिरी गांव में एक निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जाँच की जाएगी। मेगा मेडिकल कैंप में रांची से विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड का मौसम तेजी से बदल रहा है। सोमवार की सुबह में कोहरा व धुंध छाया रहा, वहीं दिन में आसमान बादलों से घिरा रहा। न्यूनतम तापमान में भी अनुमान से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में बादल छाए रहने के कारण ठंड थोड़ा कम जरूर लगा, लेकिन बादल फटते ही फिर से एक बार कनकनी बढ़ने की पूरी संभावना है।
अगले 7 दिन न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव तो होगा ही, मौसम में भी बदला नजर आएगा। कभी धूप, कहीं छांव और कभी झमाझम बारिश भी होने की पूरी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक सुबह में कोहरा व धुंध के साथ साथ दिन में बादल भी देखने को मिल सकता है। वहीं 28 जनवरी को आसमान पूरी तरफ से साफ रहेगा, जबकि 29 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 30 जनवरी को झमाझम बारिश हो सकती है। 31 जनवरी को सुबह में फिर से एक बार कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।